हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी अर्से से मैंने वीडियो नहीं बनाया। इसका मेन रीज़न ये है कि मेरा टेस्ट टाइम डिकेट 13 नवंबर को, तो काफ़ी फ्रेंड और मतलब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फरहान आपका टेस्ट का क्या बना। तो देखिए, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो बना लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं 13 नवंबर को MDK टेस्ट में प्योर हुआ और मैंने 140 मार्क्स अटेंड किए और मेरा FEC मार्क्स जो थे ना वो 1001 थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा बेड लगता, मैंने MBBS सीट सिक्योर नहीं किया। तो देखिए, हमारा तो मेहनत होता है, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे MBBS का जो सीट था वो मैंने सिक्योर नहीं किया। तो मेरा दूसरा ऑप्शन था कि मैं SCCA बन जाऊँ। मेरा जो सेकंड ऑप्शन था वो मेरा SCCA था। और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि SCCA है क्या। तो SCCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो 190 कंट्री में आप ये एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं बाहर मुल्क में अपना कैरियर बना लूँ। तो मेरे लिए SCCA बेस्ट था, क्योंकि मेरे बचपन से शौक था कि मैं बाहर मुल्क में कैनेडा, UK, मतलब वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे मैं अपना कैरियर बना लूँ। तो इसलिए मैंने SCCA चूज़ किया। और दूसरी बात ये कि SCCA का जो अपॉर्चुनिटी है बाहर, मतलब एज कम्पेयर टू अदर फील्ड, इसके लिए सबसे ज़्यादा है। अगर आप एक SCCA मेंबर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, चाहे एक्सटर्नल, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स मैनेजर, टैक्स तकरीबन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आप F9 पेपर आपने पास किया है, 9 तकरीबन आप टोटल ये 17 पेपर है, अगर आपने 9 पेपर पास किए तो आप इजीली UK कनाडा शिफ्ट हो सकते हो और आप वहाँ पे अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, वहाँ पे अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसका ये प्लस पॉइंट है। तो इसलिए इसकी जो स्कोप है, इसकी जो मतलब अपॉर्चुनिटी है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है SCCA की, इसकी मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सेलेक्ट किया अपने पेरेंट के मशवरे से, अपने खुद के इंटरेस्ट की वजह से। तो अभी मैं रिसेंटली स्कैन पेशावर में इनरोल हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर जो बंदा चाहता है कि मैं बाहर मुल्क में अपना कैरियर बना लूँ, तो इसके लिए SCCA बेस्ट है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिमिटेड है और SCCA बाहर मुल्क के फॉरेन कंट्री के लिए लिमिटेड है। और इसकी जो सैलरी है, सैलरी बहुत ज़्यादा है। ये आपके एक्सपीरियंस पे, आपके मतलब आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अपने इंटरेस्ट की वजह से और इसकी स्कोप अपॉर्चुनिटी की वजह से मैंने SCCA चूज़ किया। अभी मैं रिसेंटली स्कैन पेशावर में इनरोल हो SCCA में, और अभी मैं दो पेपर चल रहे हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और अपने स्टडी के मुताबिक हवाले से, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि टेस्ट क्या बना। तो अभी मैं रिसेंटली स्कैन पेशावर में SCCA में इनरोल हो और मेडिकल फील्ड था वो मुझसे मतलब टाइट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।